अमूमन लोग पुलिस स्टेशन जाने में संकोच करते हैं, लेकिन यहाँ एक पुलिस स्टेशन इस महिला का आश्रय स्थल बन गया है। पुलिस वाले उसके परिवार के सदस्य जैसे हैं। लगभग 4 दशक पहले पोर्ट पुलिस स्टेशन स्टाफ को यह महिला होनम्मा रेलवे स्टेशन पर मिली थी, तब वे मात्र 20 साल की थी। उस समय एक पुलिस अधिकारी उसे थाने लेकर आए थे क्योंकि वह बोल और सुन नहीं सकती थी। पोर्ट पुलिस ने इस गूंगी और बहरी महिला को थाने में शरण देने का फैसला किया और उनका नाम होनम्मा रखा। सुमारो होनम्मा हमारे पुलिस स्टेशन में लगभग 30 वर्षों से काम कर रही है। वह पुलिस स्टेशन के सभी कार्यों में सहायता करती है। कई पुलिस अधिकारी आए और चले गए, लेकिन होनम्मा तब से पोर्ट पुलिस स्टेशन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। हालांकि पुलिस ने उनके ठिकाने और उनके माता पिता का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे प्रयास बेकार गए। तब पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन में ही आश्रय देने का फैसला किया और उनसे पुलिस स्टेशन में छोटे मोटे काम करने को कहा गया। वे पुलिस स्टेशन में सफाई सहित अन्य छोटे मोटे काम कर रही हैं। पोर्ट पुलिस ने उसके रहने के लिए पुलिस स्टेशन से सटे एक छोटे से कमरे की व्यवस्था की है। इस पुलिस स्टेशन में तैनात अधिकारी और कर्मचारी तो स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन होनम्मा इस पुलिस स्टेशन की अस्थायी सदस्य जैसी हैं। वह इस पुलिस स्टेशन और यहाँ के कार्यों के बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं। वे जानती हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है। वे पानी की आपूर्ति के स्रोत, पानी के बल्ब को चालू और बंद करने जैसी नियमित कार्य करती हैं। यह काफी दिलचस्प है कि होनम्मा के आधार कार्ड और बैंक खाते में पोर्ट पुलिस स्टेशन का ही स्थायी पता है। चूंकि सभी पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें अपने परिवार के सदस्य के रूप में माना है, इसीलिए वे अपने परिवार के शुभ कार्यों और कार्यक्रमों में भी उन्हें आमंत्रित करते हैं। यहां तक कि पुलिस उनके वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों को दिलाने की कोशिश कर रही है। हमारा स्टाफ उनकी भलाई का ध्यान रखता है। अगर वे अस्वस्थ हो जाती हैं, तो हमारा स्टाफ ही उन्हें अस्पताल ले जाता है और आवश्यक उपचार और दवाएं उपलब्ध कराता है। उनके साथ हमारा भावनात्मक बंधन है। उनके बिना हम सभी को एक खालीपन महसूस होता है। बटे तोड़सी प्रतियोंदु आगु होगु गळन्नु नोडकोता इद्दारे। सो एनागिदे ईग अवरन्न बिट्रे नाविल्ल, नावु बिट्रे अवरिल्ल अन्नो ओंदु परिस्थितिनल्लि इदे। पुलिस का यह काम सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस युग में जहां बच्चे अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, वहीं पोर्ट पुलिस ने एक अनाथ महिला को आश्रय दिया और उनकी अच्छी देखभाल भी की। 4 दशक पहले रेलवे स्टेशन पर मिली इस अनाथ महिला को आश्रय देने के लिए पुलिस को एक बड़ा सैल्यूट तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।